बड़ी खबर का करते हैं। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अमित शाह एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने अब राज्य सरकार से यहां पर रिपोर्ट मांगी है। नड्डा की सुरक्षा में खामियों को लेकर यह रिपोर्ट मांगी गई। आपको बता दें, कल दिलीप घोष ने अमित शाह को पत्र लिखा था। कल जेपी नड्डा के काफिले पर जब वो पश्चिम बंगाल में मौजूद थे तो हमला कर दिया गया था, उसी को लेकर यहां पर एक्शन में नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट यहां पर मांगी गई है। कैलाश विजयवर्गीय और तमाम कुछ जो नेता वहां पर मौजूद थे उनको चोट भी आई थी। तस्वीरें उसी दौरान की यहां पर हमने आपको दिखाई, जब काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है, लेकिन चुनावों से ठीक पहले जो सब पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो लगातार सवालों के घेरे में। और एक और जो बड़ी खबर इससे जुड़ी वो भी मैं आपको बता दूं। नड्डा के काफिले पर हमला जो किया गया, उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन यहां पर किए जाएंगे। बंग भवन के बाहर बीजेपी समर्थकों ने दरअसल प्रदर्शन किया। ममता के भतीजे के घर की दीवार पर भी कालिख पोत दी गई। अभिजीत बैनर्जी के घर की दीवार पर कालिख पोती गई थी और पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये तस्वीरें देखें, यहां पर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर इस घर के बाहर कालिख पोते हुए नजर आए लोग। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी यहां पर किया है। कल जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद दिल्ली में यहां पर प्रदर्शन कर गया। बंग भवन के बाहर बीजेपी समर्थकों ने यह प्रदर्शन किया और ममता के भतीजे के घर की दीवार पर कालिख पोत दी। इसी खबर के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, बने रहिए साथ।